थाना मुंडा पांडे में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। विद्यालयों में आयोजित किए गए रंगारंग के कार्यक्रम। जनपद मुरादाबाद थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस, जिसमें विद्यालयों व संगठनों द्वारा आयोजित रंगारंग के कार्यक्रमों में देशभक्ति गीत, देशभक्ति नाटक, देशभक्ति डांस द्वारा लोगों को बताया गया कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा देश का संविधान स्थापित करने पर सभी को गर्व करना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान में सारे धर्म के लोगों को एक सम्मान जीना सिखाया, एक सम्मान चलना सिखाया, ऊंच नीच खत्म की, जिसके चलते BPS इंटर कॉलेज में भूजपुर आशा थाना मुंडा पांडे में सभी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर छात्राओं द्वारा देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। AWC इंटर कॉलेज करणपुर मुंडा पांडे में भी इसकी मिसाल पेश की गई और तिरंगा लहराया गया। इसी विषय में भारत स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी तिरंगा लहराकर देशवासियों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं पेश की। भूरा अली है और मैं AWC इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर काम कर रहा हूँ पिछले कई साल से। और आज 26 जनवरी का दिन है, हमारे भारतवासियों के लिए, हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही ये वैल्यूबल दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे देश को चलाने के लिए एक किताब मिली, एक नियमों वाली किताब जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। और ये हमें सब कुछ जो सही है और जो गलत है सभी का ज्ञान देती है। आपकी तरफ से बच्चों के मनोरंजन के लिए क्या क्या प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए और आज के शुभ अवसर में आप क्या संदेश देना चाहते हैं छात्रों को? 26 जनवरी से संबंधित देशभक्ति के जो भी प्रोग्राम हमने बनाए बच्चों के लिए, एक्शन प्ले वगैरह स्टार्ट किए, सॉन्ग वगैरह, नेशनल सॉन्ग वगैरह कराए, ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहे और बच्चों को संदेश देने वाले रहे। भारत को क्या संदेश देना, हम अपने देशवासियों के लिए संदेश देना चाहते हैं कि सभी को संविधान में विश्वास रखना चाहिए और अपने देश के लिए एक श्रद्धा रखनी चाहिए और देश के लिए उन्नति के काम करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या 26 जनवरी की खुशी में हम संडे को कैंप लगा रहे हैं, जिसमें सारी खून की जांच, पेशाब की जांच और फीस की जो ली जाती है वो फ्री रहेगी, सब कुछ फ्री रहेगा और मेडिसिन भी फ्री दी जाएगी। ख़ास तौर से मैं ये गरीब लोगों के लिए करना चाहता हूँ और ये संडे के संडे जब तक हॉस्पिटल रहेगा तब तक फ्री कैंप रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।